आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत नापला, पंचायत समिति छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा। पंचायत समिति छोटी सरवन के वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद कुमार डिंडोर ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि मेरा मुख्य मुद्दा पेयजल की समस्या को दूर करना रहेगा, वे साथ ही शिक्षा स्तर में सुधार करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कुमार डिंडोर जी के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नापला, पंचायत समिति छोटी सरवन। पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी डिंडोर, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि कैसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिसको लेके वो चुनाव मैदान में आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी है वार्ड नंबर 1 से। तो आइए पूछते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कहते सर ये बताइए, अभी आपको कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दी है, 1 नंबर वार्ड से आप उम्मीदवार हैं पंचायत समिति के प्रत्याशी, तो आपके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिनको लेके आप चुनाव मैदान में? पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि पानी का मुद्दा है जी। पानी कम से कम हमारे एरिया में पानी नहीं है जी, डैम पास में है जी और पानी नहीं मिल रहा है जी। पहले तो मंत्री जी बने, उसके बाद 2-3 लिफ्टे तो हमारी लग गई है बिल्कुल, और उसके बाद आगे और डेयरी में भी लिफ्ट लगवानी है जी, और हमारे नादिया में भी लिफ्ट लगवानी है जी। मेन मुद्दा हमारा पानी का, और उसके बाद जो है लाइट का तो लगभग हमारा हो गया है बिल्कुल, और कुछ बाकी है तो वो भी मुद्दा है, सेकेंड मुद्दा है वो। तो जैसे अभी आपने आपके महानुकाल क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायतें हैं, तो उसके अंदर आपने मान प्रचार प्रसार के माध्यम से और अभी आपने एक मान लो पूरी 3 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया है, तो आपको ऐसी मेजर कमी क्या नज़र आ रही है जिनको आप जनता अगर इस पद पर आपको चुनती है तो आप उसको पहले प्राथमिकता दोगे, ऐसी मेजर कमी? मेजर कमी पहला पॉइंट तो यही है हमारे पानी का, में पहला मुद्दा वही है। मेजर कमी वही कि सूखा एरिया है और लास्ट टाइम में हमारे पानी पीने तक की समस्या आती है, डेयरी मालपाड़ा में पानी पीने तक की समस्या आती है, पहला मुद्दा वही है। और एक तो रोड का कोई काम है मालपाड़ा, वहाँ दिक्कत वो आ रही है, तो वो भी हो जाएगा। और एनीकट का मंत्री जी ने सर्वे करा ही लिया है, डेयरी में पानी का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी कर दिया है, डेयरी का भी नापला में 3 लीटर लगी गई है और डेयरी भी सर्वे कर दिया है कि एक वो तालाब इरीगेशन का बनेगा 1.5 करोड़ के आसपास का। तो जैसे अभी बात करते हैं अपन शिक्षा की, तो आप युवा हो, ऊर्जावान हो और पढ़े लिखे हो, तो सर बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान है? जैसे ये मान लो बेल्ट है तो इसके अंदर शिक्षा का अभाव बहुत कम है, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान है? शिक्षा के प्रति हम घर घर जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि भाई अभी कोरोना चल रहा है जी। तो कोरोना चल रहा है तो घर बैठ के पढ़ाई करो, ऑनलाइन जो है क्लास है उसको अटेंड करो, घर घर जाके दे रहे हैं। पर कोई कोई समस्या ये आ रही है कि किसी के पास इनरोड मोबाइल नहीं है, गांव में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है पढ़ाई के मसले। बाकी लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम कि भाई जाके नहीं, कि भाई घर पे पढ़ाओ बच्चों को, बैठ के पढ़ाओ और दूरियां बना के रखो कोरोना की वजह से, ये सब घर घर जाके हम बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो आपने जवाब दिया है कि जो घर घर अभी जैसे जा रहे हैं, ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़े बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। तो जैसे अभी बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो इसके अंदर किसान वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, किसान वर्ग, तो इस पद पे आपको चुनते हैं तो आप किसानों के प्रति क्या योजना है? किसानों के प्रति एक तो बहुत बड़ी योजना गहलोत सरकार ने, हमारे कांग्रेस सरकार ने निकाली थी जी। उस समय कोरोना चल रहा था जी। तो खाद बीज की व्यवस्था करी बिल्कुल, और अगले टाइम में और ये कोई भी नई योजनाएं सोच रहे हैं, लिफ्ट वाली भी योजना है, उसके अलावा एक दूसरी योजना 1,40,000 सौर ऊर्जा वाला लगा रहे, बोर भी उसमें होगा और उसी से पानी भी मिलेगा और लाइट भी नहीं आएगा, एक ऐसा अभी प्लान चल रहा है आगे। तो किसानों के प्रति हमारे एक एक घर जाकर हम जागरूक कर रहे हैं चीज को, क्योंकि ऐसी कोई योजना है तो मस्त वो करो, ये लाभवंत हो। बहुत ही अच्छा सुझाव है, किसानों के प्रति आपकी अच्छी सोच है। तो अभी बात करते हैं यहाँ नशे की, नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है और जो युवा है यंग है वो नशे की लत में जाते जा रहे हैं, तो आप नशा मुक्ति के लिए क्या प्रयास करें?
नशा मुक्ति के लिए हमने प्रयास किए हैं सभी युवाओं को, पहले तो शिक्षा से जोड़े हो, शिक्षा से जोड़े लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि भाई हमको नशा नहीं करना चाहिए, नशे से कितने नुकसान जा रहे हैं, भाई बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, ये चीजें करके समझा रहे ताकि ये कम से कम करने की कोशिश करो। तो उसके लिए हम शिक्षा पे ज्यादा जोर देंगे, शिक्षित रहेगा तो समझेगा बंदा भाई मेरे को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, इसलिए हम ज्यादातर शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। एक सवाल और आपसे है मेरा कि जैसे यहाँ कई कुप्रथाएं चल रही है, जैसे बहू है, बाल विवाह और जो मातृभोज है, तो ऐसी कुप्रथाओं पे आपके क्या प्रयास है? मृत्यु बोझ तो लगभग सब बंद हो गया, 5-10% रहा है। उसमें भी हम ऐसे मैसेज डाल रहे हैं कि भाई मतलब एक तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान तो ये है कि सभी लोग एक इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद टाइम खराब होता है, टाइम खराब होने के बाद पैसा भी खराब होता है, और अभी एक बीमारी भी जैसे चल रही है कोरोना, तो अगर इकट्ठे होंगे कहीं के छुआछूत होगी, तो उन सब लोगों को समझा रहे हम कि ये करने से ये होगा, मरने वाला वापस नहीं आएगा, तो ये मृत्यु कोष से ज्यादा कर्जे में और बंदा जाएगा, जो करके घर घर वो भी जाके समझा रहे, तो लगभग 70% समझ भी गए। ये बहुत अच्छा सुझाव आपका। और जैसे अभी बात करते हैं कोरोना, कोरोना महामारी आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ही भयंकर बुरा रोग साबित हो गया, तो अभी आप प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, तो आपने लोगों को इसके प्रति क्या गाइड किया? लोगों के प्रति लोगों को पहले तो मैंने बोला कि भाई अपने अपने दुनिया बना के रखो, बेला दो, और सेकेंड बोला कि भाई मास्क पहन के रखो, और वोटिंग डालने जाओ तो भी दूरी बना के रखो और मास्क पहन के जाओ, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि बिना मास्क रह सकता, आपके पास यदि मास्क नहीं हो तो आपके पास जो भी कपड़ा हो, रुमाल हो तो वो बांध दो और दूरी बना के रखो, और उनको बोला है घर घर जाके भाई अपने अपने हाथ धोते रहो, जहाँ भी जाते हो आने के बाद अगर साबुन मिले तो साबुन से, साबुन अगर नहीं मिलता है तो आप खाली पानी से हाथ धो लो, तो हम लोगों को ये सुझाव भी दे रहे हैं घर घर जाके, और मेरी पहली प्राथमिकता ये भी है कि आप जो कह रहे हो कोरोना के प्रति, तो सबको दो हाथ जोड़ के मैंने निवेदन भी किया है कि कोरोना चल रहा है, पहले थोड़ा कम हो गया था, अभी वापस शुरू हुआ है, तो विशेष करके जिसका ध्यान रखो, दूरियां बना के रखो और हाथ धोते रहो, मास्क पहन के रखो, ये घर घर जाके हमारे जितनी भी युवा टीम है, मेरे साथ कम से कम 15-20 लोगों की टीम है युवा, और सब समझदार लोग हैं, सब समझदार लोग हैं और सब संदेश यही पहुंचा रहे गांव में। तो जब अभी आपने बताया प्रमोद जी के जो मेरे साथ युवाओं की टीम है, तो युवा कई जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप इस पद पे आते हैं, आज युवा आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो युवाओं के प्रति आपके क्या प्रयास है? युवाओं के प्रति हम एक तो हमारे सरकार ने जो पावर प्लांट का है, पावर प्लांट में बहुत सारे रोजगार देंगे, सभी लोगों को बोला है मैंने, एक तो पहला तो आप आईटीआई कर लो, कंप्यूटर कर लो, आप अच्छे से अच्छे कहीं कहीं आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन कर लो, मैकेनिकल कर लो, ये सब आईटीआई कर लोगे तो कहीं यहाँ काम आएगा। मैं सब युवाओं को कह रहा हूँ, बीएड कर रहे थे उनको भी कह रहा हूँ कि भाई इस टेक्निकल लाइन में आ जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल अपना पावर प्लांट है तो उसमें आप सबको जॉब मिल जाएगी। तो जैसे अभी आपके अर्थ में जो कर क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायत है, तो तीनों ग्राम पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तीनों ग्राम पंचायतें की जनता को मैं मेरी तरफ से दो हाथ जोड़कर सभी को कहूंगा कि एक एक वोट डालें, दो हाथ जोड़कर विनती करूंगा उनसे कि भाई कोई भी घर पे नहीं लो, वोट डालना बहुत जरूरी है, भले किसी को भी मत दो पर मत देना जरूरी है। सब जनता से अपील करता हूं ग्राम पंचायत नापला, डेरी, नादिया तीनों में कि दोनों हाथ जोड़ के भाई एक भी वोट देना नहीं चाहिए, जनता से अपील है कि एक एक वोट करके वो वोट डालें, वोट से वंचित नहीं। बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि वोट है, मतदान करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक एक व्यक्ति जो भी है, जहाँ भी है, वो एक एक व्यक्ति आके मतदान करें कि मतदान बहुत जरूरी है। तो आरपीटी न्यूज के अंदर आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी रहेंगे आरपीटी न्यूज के लिए, हमेशा आप पहले भी सर्वे करने आए थे, जब टिकट की मांग करी थी हमने उस समय भी आपने गांव में सर्वे करी थी जी। तो उस समय भी यही था मेरा सुझाव, गुराज जी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी।